आज हम बनाएंगे एक कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। जो दो आलू हम लिए हैं दोस्तों, इसके छिलका हटा लिए हैं और बारीक कट कर लिए हैं। कट करने के बाद दोस्तों दो तीन पानी से धुल लीजिएगा ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, और धुलने के बाद इसको पानी से छान लीजिएगा। छानने के बाद दोस्तों मिक्सी जार में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और एक लेंगे आधा इंच टुकड़ा अदरक, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे, और हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। अब इसमें जाएगा एक मीडियम साइज प्याज, इसको भी बारीक कट कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज टमाटर, इसको भी बारीक कट कर लीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा टमाटर को। और ढक्कन लगाकर मिक्सी को रुक रुक कर आपको पीसना है, यानी पल्स मोड में पीस लेना है दरदरा। तो लीजिए दोस्तों, हम पीस लिए हैं और इसको बॉल में निकाल ली हूँ। तो आपको एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और लेंगे आधा कटोरी सूजी, जिस कटोरी में आप दाल या सब्जी खाते हैं उसी से मेजरमेंट कर लीजिएगा। जितना सूजी उतना बेसन, यानी आधा कटोरी सूजी तो आधा कटोरी बेसन। अब चाहेगा इसमें बारीक कट किया हुआ हरी धनिया। अब इसमें ऐड करेंगे छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब छोटे चम्मच से आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, और दोस्तों इसमें जाएगा छोटे चम्मच से एक चम्मच चाट मसाला, जिससे बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है। तो छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और छोटे चम्मच से आधा चम्मच ही अजवाइन ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर मस्त आए। अब इसमें जाएगा नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार ही ऐड कीजिएगा, नमक ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अपने स्वाद अनुसार ही नमक ऐड कीजिएगा। तो चलिए, सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, और आपको अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर और आलू से बहुत ही मॉइस्चर हो गया है कि हम इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। अगर ये सब चीज़ करने के बाद भी आपको बैटर गीला लगे तो थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए, इसको मिक्स करने के बाद क्या करते हैं कि 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि हमारा सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही पसंद आएगा, क्रिस्पी है, टेस्टी है, यहाँ तक कि बच्चों को आपको टिफिन भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए, हमें 5 मिनट हो गया है रखे हुए, एक बार मिक्स कर लेते हैं बैटर को। इसकी थिकनेस को आप देख सकते हैं, ज़्यादा आपको पतला और ना ज़्यादा मोटा रखना है। गैस हमारा ऑन हो चुका है, इसमें हम पैन रख लिए हैं। तेल आपको 4-5 चम्मच ऐड कर लेना है, तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। अब इसमें खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच ऐड करते जाइए, इसको थोड़ा सेट कर लीजिएगा, अगर भूल नहीं है तो थोड़ा बहुत दबा लीजिएगा। वैसे ही ऐड करते ही अपना शेप ले लेता है, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए हम फ्राई करेंगे, जितना इसमें हैंडल हो सकता है पैन में उतना आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कि आपने बनाया और ये रेसिपी आपको कैसा लगा। घर में ही अवेलेबल चीज़ों से, रखे चीज़ों से हमने बनाया है, बट बहुत ही टेस्टी बनाया है दोस्तों, ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ा बहुत इधर उधर हिला लीजिए ताकि अच्छे से जगह में हो जाए, और दूसरी बात है दोस्तों, अच्छे से सीख जाने के बाद ही हम इसको पलटेंगे। जब अच्छे से सीख जाएगा तभी पलटिएगा, गीले में नहीं पलटिएगा। तो 1 चम्मच लीजिए और उसके सहारे से थोड़ा सा तेल उसके ऊपर से भी स्प्रिंकल यानी ऐड करते चलिए, ताकि ऊपर का भी हमारा क्या हो कि इसी के साथ साथ पकता रहे। तो चलिए, अब इसको पलट देते हैं। जहाँ तक लग रहा है कि बीच वाला हमें सीख गया है, यानी बीच वाला पहले ऐड की हूँ ना, तो ये सीख गया है। आप इसकी कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आएगा दोस्तों। आपको एक कलर आने तक इसको उलट पलट कर फ्राई करना है,
बहुत ही क्रिस्पी बनता है क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड की हूँ, आलू ऐड की हूँ, तो इस वजह से ये रेसिपी नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनता है। ट्राई कीजिएगा। तो सारे हम पलट लेते हैं, इसी तरीके से सारे पलट लीजिएगा और बाकी का है वो भी पक जाने के बाद वही प्रोसीजर करके पका लीजिएगा, ठीक है, फ्राई कर लीजिएगा। पकाना या फ्राई करना एक ही बात है। तो इधर का भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, उलट पलट कर आपको फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं, एक बार बनाकर दोस्तों जरूर देखिएगा। तो हम देख रहे हैं उलट पलट के बहुत अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी होता है, इसकी हम आवाज़ भी आपको सुना देंगे। तो अच्छे से पकाइएगा, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम, और जब इसको निकालने जाइएगा यानी जब तेल से निकालिएगा बाहर, तो गैस की फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दीजिएगा ताकि इसके अंदर तेल ना जाए। तो मीडियम आंच पे आपको पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो आप इसके कलर देख सकते हैं दोस्तों, वाह बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, एक बार ट्राई कीजिएगा। हमने बनाया, खाया, बहुत ही मस्त था, बच्चों को भी पसंद आया। इसको टमाटो सॉस के साथ या ग्रीन चिली सॉस के साथ या एक चटनी हम शेयर किए हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, उसको जरूर बनाइएगा। समोसा, कचौरी, पकौड़ी किसी के साथ भी वो चटनी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्ट में ज़बरदस्त लगता है। तो शॉर्ट वीडियो में भी हमने उसको चैनल में ऐड किया है, और एक ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी मैं ऐड की हूँ, उसी के बीच में हमने उस चटनी को दिखाया है, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा। उस चटनी को आप मिस ना कीजिएगा। और ब्रेड पकौड़ा तो पूछिए ही नहीं, बहुत ही मस्त है दोस्तों। तो उसी को हम इस चटनी के साथ शेयर करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त मजा लेंगे। तो चलिए सर्विंग प्लेट पर चलते हैं दोस्तों, और इसको शेयर करते हैं यानी खाने के लिए सर्व करते हैं। तो इस रेसिपी को आप कितने लाइक देंगे और कितने शेयर करेंगे जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज प्लीज प्यारा प्यारा कमेंट करके भर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा वॉच जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी है दोस्तों, ऊपर से क्रिस्पी और नीचे से हल्का सा सॉफ्ट है। तो इसको टमाटो सॉस के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ क्योंकि इस समय हमारी ग्रीन चिली बच्चे नहीं खा रहे थे, कह रहे हैं कि मम्मी हमें चटनी तीखा नहीं।